हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। आज मैं आपको अपने छोटे छोटे फ्रेंड से मिलवा रही हूँ। देखिए देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड हमारी लाइफ में। ये हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। इवनली फ्रेंड मक्खी, मच्छर, चींटियाँ, ये सब जो है हमारे स्मॉल पॉलिनेटर्स होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जो है पॉलन को लेकर के जाते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो देखिए इन्हीं की हेल्प से जो है हमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग प्राप्त होती है, अदरवाइज हमें हैंड पॉलिनेशन कराना पड़ता है। लेकिन मेरी छत पे इतनी इतने छोटे छोटे भौंरे, मक्खी, मच्छर, सभी चीज़ें हैं कि मुझे जो है हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी एक आध बार किसी एक आध फ्रूट में मुझे करानी पड़ी जब बहुत ज़्यादा जो है रेनी सीजन हो रहा था और जल्दी से जो है ये सब मक्खी मच्छर जो है छत पे नहीं आ पा रहे थे, तो नो प्रॉब्लम। अब खूब सारा जो है खूब भौंरे हैं, छोटे 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 मक्खी मच्छर हैं, तो ये इनके कारण जो है आप देखिए कितनी अच्छी मेरी फ्रूटिंग हो रखी है। और फ्रेंड मेरी ये जो बेल है ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग जो है मेरे को इसमें मिल रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डजन मैटर कि आपकी बेल बड़ी है या छोटी है, लेकिन उसमें फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है वो मैटर करता है। तो इस टाइप से जो है मुझे छोटी सी बेल में काफ़ी फ्रूट्स प्राप्त हो रहे हैं। और ये देखिए ये मेरी करेले की बेल है, इसमें भी कहीं जो है थोड़ा सा जो है सीजन का असर तो पड़ता है बेलों पे। अब जैसे थोड़ा सा रेन कम हुई है, बारिशें कम होने लगी हैं और थोड़ा सा जो है अगस्त का जो सितंबर का जो महीना आ गया है, तो नेचुरली है हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो अपने प्रॉपर टाइम पर ही बूम करती है। तो जैसे जैसे डाउनफॉल तो हर चीज़ में होता है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीजन में फिर भी, इस सीजन में भी आप देखिए कितने अच्छी जो है अभी भी मेरी फ्रूटिंग हो रही है, कहीं फ्रूट्स की कमी नहीं है। और बट जितने हेल्दी पहले वाले फ्रूट्स थे उतने ज़्यादा हेल्दी मुझे अभी ये थोड़ा सा कम लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप देखिए। और ये भिंडी देखिए आप, भिंडी मेरी बहुत अच्छी हो रही है अब। पहले तो इसमें जो है कीट्स का अटैक हो गया था, बट अब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। और मैंने सोचा कुछ आज आपके साथ हार्वेस्टिंग किया जाए, तो कुछ कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है मेरे खीरे लग रहे हैं और भी लग रहे हैं, और देखिए ये जो है मेरे खीरे हैं। चलते हैं और क्या क्या फल रहा है मेरी गार्डनिंग में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हरी मिर्चें, देखिए वाओ, ये देखिए पूरे गुच्छों में हरी मिर्चें लगी हैं। ये मेरे गुच्छे वाला बैंगन सबको बहुत पसंद आता है और मैं नेचुरली जो है इसके सीड्स निकालूंगी और जहाँ जहाँ हो सकेगा मैं इसको ज़रूर भेजूंगी। तो फ्रेंड ये बहुत टेस्टी भी है खाने में, ऐसा नहीं है कि गुच्छों में आ रहा है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे बैंगन ऐसे कम ही पसंद थे, लेकिन इसकी सब्ज़ी खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए और चीज़ें देखिए, ये भिंडी देखिए, ये देखिए हरी मिर्चें देखिए, देखिए कैसे भर भर के आई है। खीरे देखिए, खीरे की बेल भी लगभग ख़त्म होने पे आई है, बहुत इसमें खीरे लगे हैं। अब कुछ टाइम बाद जो है मैं इसको हटा दूँगी।
तो ये देखिए खीरा इससे जो है हरी मिर्च, ये इसमें भी एक खीरा लग रहा है। तो आज मैंने जो है ये सारे के सारे खीरे हार्वेस्ट कर दिए हैं। अब बेल लगभग ख़त्म होने पे आई है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी खीरे नहीं है, बट फिर भी ठीक है। आप देखिए मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया आज। तो ये मैंने भिंडी, इसमें कुछ कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, बीच में हरी मिर्चें हैं। भिंडी भी मेरी इनफ क्वान्टिटी में निकल जाती है एक ही दिन में। और खीरे देखिए मैंने कितने खीरे आज हार्वेस्ट किए हैं, ये देखिए थोड़े से पीले पीले होने लगे हैं छोटे में ही, बट देखिए कितना बढ़िया, देखिए वाह। ये बस अब लगभग फ्रेंड्स ये जो है रेन की सब्जियां, बरसात की सब्जियां लगभग ख़त्म ही होने पे आई है। थोड़ा थोड़ा ही जो है इस टाइप से हैं, देखिए पीले पीले इनके पत्ते हो गए हैं। तो बस अब कुछ टाइम बाद ही, थोड़े दिन रखूँगी, थोड़े दिन बाद मैं इनको हटा दूँगी। बट मेरी लौकी और तोरी और करेला अभी भी बहुत अच्छा फल रहा है। खीरे भी कुछ कुछ बेल में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ थोड़ा सा सूख सी गई हैं, जो सूख गई हैं उनको हटा दूँगी, जो अच्छी है उनको रहने दूँगी। और करते हैं अपनी विंटर की तैयारियाँ। तो विंटर की तैयारियों में मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ये मूली जो है मैंने बोई है। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या मैं बोती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।